नमस्कार, आज मैं आपको आईसीएमएस की रिपोर्ट 407 के बारे में बताना चाहता हूँ। आईसीएमएस की ये रिपोर्ट किसी भी डिवीजन के उन रेफरेंस पॉइंट को लेकर बनाई गई है जहाँ पे डेटा लॉगर इंस्टॉल्ड है। जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट में कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन में ट्रेनों के अराइवल डिपार्चर इवेंट्स को कैप्चर करने के डिफरेंस होते हैं, जैसे कि आरटीआईएस, रैमलॉट, डेटा लॉगर, सीटीएसआर एंड फाइनली सेक्शन कंट्रोलर। तो अब किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे किस सोर्सेज के द्वारा किस ट्रेन का टाइम अपडेट हुआ उसको डिटेल में समझने की कोशिश की गई है इस रिपोर्ट में। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको आईसीएमएस रिपोर्ट्स में जाकर लॉगिन करना होगा। तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ICMS रिपोर्ट्स देखने का जो वेब एड्रेस है वो icms.indianrail.gov.in है। यहाँ पर जाके आपको लॉगिन करने के लिए आपको आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। आईडी पासवर्ड भी आपको डिफरेंट लेवल का मिल सकता है, जैसे कि रेलवे बोर्ड यूज़र की जो आईडी है उससे वो सारे जोन्स की रिपोर्ट्स देख सकता है, जोनल यूज़र अपने सारे डिविजन्स की देख सकता है, एंड डिविजनल यूज़र जो है अपने डिवीजन की रिपोर्ट देख सकता है। तो अभी मैं एक रेलवे बोर्ड यूजर की लॉगिन आईडी से लॉगिन करता हूँ। अब आपको ये स्क्रीन खुल गई आपके सामने। अब यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए सीधे आप रिपोर्ट 407 टाइप करके ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सर्च करना होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब चूंकि मैंने रेलवे बोर्ड यूजर से लॉगिन किया है तो मेरे पास सारे जोन्स को देखने का ऑप्शन है। अब या तो मैं सारे जोन देख लूँ या किसी एक जोन, जिसकी भी इच्छा हो आप देख सकते हो। तो अभी मैंने नॉर्दर्न रेलवे पर क्लिक किया। फर्दर आपको सारे डिविजन्स का ऑप्शन अवेलेबल है, और या किसी एक डिवीजन का देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हो। तो ऑल डिवीजन सेलेक्ट कर लिया। फिर आप देखते हो कि यहाँ लिखा है रिपोर्ट बेसिस। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। रिपोर्ट बेसिस इसलिए समझने की ज़रूरत है कि आईटी सिस्टम में अराइवल किसी ट्रेन का हो रहा है तो वो एक इवेंट हो गया और डिपार्चर एक दूसरा इवेंट हो गया, जबकि ट्रेन एक ही होगी तो एक ट्रेन के दो इवेंट हो सकते हैं, मगर ट्रेन एक ही होगी। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि रेलवे में नंबर ऑफ ट्रेन से ज़्यादा रिलेट करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ट्रेन का भी ऑप्शन दिया है कि उस पॉइंट से कितनी ट्रेन गई और किस सोर्स से अपडेट हुई। तो आप यहाँ पर आप नंबर ऑफ ट्रेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर आपको टाइम दिया हुआ है, आप किसी एक दिन का टाइम देखना चाहते हो देख सकते हो, या अगर आप चाहोगे तो दो तीन दिन का देखना, वन वीक का देखना, जैसा भी आप चाहोगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने 18 मार्च को सेलेक्ट किया। यहाँ डिस्प्ले पे जाके आप क्लिक कर दो, थोड़ा सा 15-20 सेकेंड लगता है इसे लोड होने में। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, इधर आप नंबर ऑफ ट्रेन से भी फिल्टर से सेलेक्ट करते हो तो जो एक्सेप्शंस होंगे वो नंबर ऑफ इवेंट पे ही बेस्ड होते हैं। अब आप देखते हो कि नॉर्दर्न रेलवे के सारे डिविजन्स के उन स्टेशंस की लिस्ट आ गई है जहाँ पे डेटा लॉगर इंस्टॉल्ड है, और कौन सी ट्रेन किस सोर्स से अपडेट हुई है आप देख सकते हो। जैसा कि अभी मैंने एक इंटरचेंज स्टेशन है CYZCPR, NCR के साथ नॉर्दर्न रेलवे का इंटरचेंज है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा नॉट रिपोर्टेड, तो आपको दिख रहा है एक ट्रेन जिसको पैसेंजर ट्रेन है और सेक्शन कंट्रोलर ने रिपोर्ट नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन है गुड्स ट्रेन का, गुड्स ट्रेन 7 गुड्स ट्रेन है जिसको भी रिपोर्ट नहीं किया गया है, और एक अदर्स ट्रेन उसको भी रिपोर्ट नहीं किया है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि सेक्शन कंट्रोलर बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनका इंटरचेंज पॉइंट पे भी अराइवल डिपार्चर या रन थ्रू वट एवर जो भी इवेंट है अपडेट नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा मैनुअल, मतलब कि सेक्शन कंट्रोलर ने जिन ट्रेनों का टाइम अपडेट किया है, जैसे कि एक ट्रेन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप उस ट्रेन को देख भी सकते हो कौन सी है। जैसे कि यहाँ देखते हैं 12826 इस ट्रेन का जो बोथ इवेंट है आप देख सकते हैं, यहाँ अराइवल एंड डिपार्चर ये सेक्शन कंट्रोलर ने अपडेट किया है। ऐसे ही उस ट्रेन का है। फर्दर आप देखोगे जीपीएस में बोथ है, आरटीआईएस जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में होता है और रैमलॉट जो कि डीजल लोकोमोटिव में। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 30 ट्रेन की लिस्ट मिल जाएगी जिनको इन जीपीएस इनेबल्ड लोको से अपडेट किया गया। आपको लोको नंबर भी मिल जाएगा, अगर
सही से भरा है। इसी प्रकार आपको TSR से, डेटा लॉगर से, सबसे जिस जो ट्रेनें अपडेट हैं उनकी लिस्ट मिल सकती है। फर्दर बहुत सी ट्रेनें हैं जो कि नहीं अपडेट होती, ऐसा क्यों है ये आपको समझने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल दूंगा, सपोज चिपियाना पे एक ट्रेन आई जो RTIS इनेबल्ड है, तो टाइम कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन में RTIS से भी आया, और क्योंकि डेटा लॉगर भी इंस्टॉल्ड है तो स्टेशन मास्टर ने डेटा लॉगर से भी एंट्री की। अब ऐसी स्थिति में दो टाइमिंग आ गया आपके पास, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन कौन सा टाइम कंज्यूम करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इनबिल्ट लॉजिक डेवलप किया गया, जिसमें एक प्रायोरिटी डिसाइड की गई है कि फर्स्ट अपडेट होगा वो RTIS या रेमलॉट से लिया जाएगा, और सेकंड उसके बाद डेटा लॉगर या CTSR अगर है, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है सेक्शन कंट्रोलर्स को। इस वजह से बहुत सारे रेलवे का ये कंप्लेन होती है कि टाइमिंग डेटा लॉगर ने अपडेट किया मगर वो CUA ने कंज्यूम नहीं किया। उसका यही रीज़न होता है कि बहुत बार वो RTIS से अपडेट हो जाता है, बहुत बार डेटा लेट आता है, मीन बाइल सेक्शन कंट्रोलर या TSR या किसी अन्य सोर्स से वो अपडेट हो जाता है। इस प्रकार आप अपने डिविजन्स के उन स्टेशनों पर जहाँ डेटा लॉगर लगा हुआ है, स्पेशली इंटरचेंज स्टेशन पर जाकर देख सकते हैं कौन सी ट्रेन किस सोर्स से अपडेट हो रही है। धन्यवाद।